हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताने वाला हूं। और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी साबित होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 86 वैकेंसी निकली है और दोस्तों काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। और इसके अलावा दोस्तों ये वैकेंसी दूसरे और कई ब्रांच के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ कंसर्न से ये इस वैकेंसी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, यहाँ पे आपको ना केवल इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाएगा बट इसके अलावा जो सिलेबस है उसको कैसे पढ़ना होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस चैनल पर राजस्थान या इंडिया से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, और उसमें स्पेशली फोकस जो है सिविल इंजीनियरिंग और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम हुआ, या यूपीएससी के जितने भी होते हैं सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, या गेट एग्जाम हुआ, तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड एग्जाम्स हैं वो सब कवर होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको फ्यूचर में जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी बताते हैं आपको इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे दो वैकेंसी निकली हैं, एक तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है, और इसके अलावा दोस्तों जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के अलावा जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर की भी पोस्ट निकली है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये वैकेंसी का फॉर्म जो है दोस्तों कई सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकली है वो है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की। ठीक है, तो दोस्तों ये वैकेंसी कितनी निकली है, टोटल 86 वैकेंसी निकली है। ये राजस्थान में निकली है, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में। ठीक है, तो ये परमानेंट टाइप की वैकेंसी है दोस्तों, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा एनवायरमेंटल इंजीनियर का ये रहेगा 33,000 से लेकर के 1,06,000 के, जो मैट्रिक्स लेवल 10 आता है ये राजस्थान में, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हो इसमें जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी इसमें आता है वो सब इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 40 साल की, तो काफ़ी अच्छे से मतलब स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा एज ब्रैकेट है, काफ़ी स्टूडेंट दे सकेंगे। इसके अलावा काफ़ी रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पे वो करीब 5 साल का हो ही जाता है, मतलब ओबीसी एससी एसटी इनके लिए तो, और बाकी जनरल में शायद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो है थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, उसको हम अभी एडवर्टाइजमेंट में देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1400 रुपये की लगने वाली है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो ओबीसी के हैं वो 1200 रुपये मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लगने वाले हैं, और 1000 रुपये जो एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगने वाले हैं। ठीक है, अभी हम एडवर्टाइजमेंट पे सीधे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं कि ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अंडर में जो है वैकेंसी निकली है, और ये 86 पदों पर जो है नियुक्ति की जानी है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो भरने की डेट 24 दिसंबर 2020 है। ठीक है, 24 दिसंबर 2020 ये डेट ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के 23 जनवरी 2021 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और ये आपको ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये वेबसाइट का लिंक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, जिसमें environment.rajasthan.gov.in नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर के आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके अलावा हम अगर आगे देखें जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो सीट्स बचती है वो है 22 है। ठीक है, 22 प्रॉपर जनरल के लिए। ठीक है, बाकी महिला जनरल के लिए 7 है। ठीक है, विधवा जनरल के लिए 2 है, बाकी अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि उनके लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता को बताया गया है कि कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन सेक्शन है उसमें दोस्तों आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए परसेंटेज, ये बात ध्यान रखना है आपको, और ये डिग्री लगेंगी इसमें, जो मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आफ्टर बैचलर्स डिग्री इधर इन बायो टेक्नोलॉजी और केमिकल और सिविल और माइनिंग और एनवायरमेंट और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ द अबाउ ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनवायरनमेंट और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी कि दोस्तों ये इस एग्जाम में आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज होनी चाहिए राजस्थान कल्चर की। ये पूछा जाता है यहाँ पे, राजस्थान की हिस्ट्री आपसे बहुत पूछी जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है जो एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो पोस्ट निकली है ना, यहाँ पे जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट निकली है उसमें पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। ठीक है, ये लेवल 10 की पे मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसमें करीब वही 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है 33,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक के बीच में जो है सिटी टू सिटी डिपेंड करती है, उसके बेसिस पे आपको इनकम मिलती है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो स्केड्यूल ट्राइब स्केड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स होंगे बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये EWS सिर्फ राजस्थान के ही अलाउड किए जाएंगे, यहाँ पे अदर स्टेट्स के अलाउड नहीं किए जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना होगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी वुमेन्स को 10 साल का रिजर्वेशन, 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो डाइवोर्सी वुमेन्स है इनके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये सब कॉमन सी बातें हैं। मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको वो 24 दिसंबर 2020 से लेकर के 23 जनवरी 2021 के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें जो मेन चीज़ ये आ रही है कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि ये कोई सिविल इंजीनियरिंग का प्रॉपर सिलेबस नहीं लग रहा है। और इसके अलावा ये सिलेबस दोस्तों आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड और टेक्सटाइल के सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी जो पोस्ट है वो तो है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की। तो यहाँ पे देखिए जो एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज दोस्तों, जो UPSC एस्पिरेंट होता है ना, जो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस को बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनकी जो बुक है एक एक शंकर आयस नाम से बुक है, वो चलती है। ठीक है, उसमें आपको यहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो, तो वो एनवायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जनरल करंट अफेयर की जो मैगजीन्स आती है, विजन आईएएस की हुई या फिर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सिविल सर्विसेज के लिए चल रहे हैं, वहाँ उनके जो आपको पोर्टल्स मिलेंगे वहाँ से जाकर के आप आराम से वो नॉलेज गेन कर सकते हो, जैसे NGT Act हुआ या पोल्यूशन इंडाइसिस हुआ। ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियर्स पढ़ते ही हैं उनके लिए जो है एक वेटेज है, मतलब एक्स्ट्रा एज है कि ये है कि भाई उन्होंने ऑलरेडी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो सेक्शन होता है वो तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जितना भी यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है आपको ये सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, और ये एक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल टेनरी डेयरी डिस्टिलरी और सीमेंट इंडस्ट्री। ये जो सेक्शन है ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसके लिए दोस्तों आपको जो है गूगल करना पड़ेगा और जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और टेक्सटाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बुक मिलती है अगर आपको, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आपको ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एयर और नॉइस पोल्यूशन है ये सब आपको शंकर आयस की बुक में मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें सारे टॉपिक से लाइन बाई लाइन कवर होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी वहीं मिल जाएगा आपको, एनवायरमेंटल जो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, ये एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये पोर्शन पूरा अच्छे से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी रूल्स एक्ट्स एंड रेगुलेशन है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और म्यूनिसिपल ये सोशल बायो मेडिकल ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट एंड हजार्डियस सॉलिड वेस्ट, ये जो टॉपिक है ये आपको काफ़ी चीज़ें तो आपको आपकी सिविल इंजीनियरिंग के जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है उसमें मिल जाएंगी, और जो नहीं मिलेंगी वो आपको शंकर आयस में मिल जाएगा। और जो दोस्तों टॉपिक ढूंढने में या पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी आपको, वो सब आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करके विकिपीडिया के थ्रू जाकर के उस सेक्शन को प्रॉपरली पढ़ना है, उसको नोट डाउन कर लेना, वहीं से तैयारी करनी है। इससे एग्जाम की तैयारी इसी तरीके से होगी, ये काफ़ी छोटा और कम सिलेबस में पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का एग्जाम है, मतलब यहाँ पे मार्क्स लाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर आप थोड़ी तैयारी कर लो। बस आपको दिक्कत आने वाली है तो थोड़ी बहुत ये टेक्सटाइल वाले सेक्शन में आएगी, जिसकी भी आपको कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, और उस बुक या फिर आप जो है गूगल का यूज़ करें और ये जो भी बेसिक नॉलेज है इससे रिलेटेड, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल टेनरी डेयरी
डिस्टिलेशन और सीमेंट इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको गूगल पे जाके सर्च करके कंप्लीट करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में। तो अब बची बात इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज की आती है, तो ये जनरल नॉलेज का आपको सेक्शन दिख रहा होगा कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो मतलब आपको राजस्थान पे ही फोकस करना है, राजस्थान की जनरल नॉलेज पे प्रॉपरली फोकस करना है। इसके लिए लक्ष्य नाम से बुक आती है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर लें, वो बुक बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो, और क्योंकि डिटेल में है बल्कि है बट कंप्लीट सब कुछ करती है, ठीक है, इसलिए अच्छी बुक है। बाकी मैथमेटिक्स है, मैथ्स तो यार एप्टीट्यूड है, सिंपल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, तो वो तो आप किसी भी बुक से कर सकते हो। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है, नहीं तो अगर आपने मेडिजी जैसे किसी कोचिंग वोचिंग से किए हो तो फिर आप वो मेडिजी की कोचिंग में जो रीजनिंग के और जो आपको एप्टीट्यूड के नोट्स मिले होंगे ना आप उनसे पढ़ लेना नोट्स, नहीं तो आपको एक बुक मिली होगी उनकी, तो वो बुक अच्छी है, आप उससे पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम इतना ही है दोस्तों, 150 मार्क्स, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ये और देख लो आप कि जो भी है 450 नंबर का टोटल पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा इसमें कुछ अगर काम की चीज़ें, तो दोस्तों इसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया है ये एडवर्टाइजमेंट में, और मैंने बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ जो बहुत सिविल इंजीनियर्स को हेल्प करने वाली है। इवन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ और जो चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा तो उसके लिए और वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।